दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ 2 मिनट में अपने पीले, गंदे, काले दांतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों की क्या परेशानी है, सबसे ज्यादा हमारे दांत किसी के बहुत ज्यादा पीले होते हैं, किसी के दांतों पर अजीब तरह के धब्बे पड़े होते हैं और कुछ लोगों के दांत बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने दांतों को मोतियों जैसा चमकाना चाहते हैं तो ये नेचुरल तरीका आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगी आपकी ये रेमेडी। और कैसे आपको दांतों पे लगाना है और कितना ज्यादा इफेक्टिव है, वो एक बार के इस्तेमाल के बाद ही आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। तो चलिए इस आसान से नुस्खे को बनाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और इफेक्ट आपके दांतों पे तुरंत दिखेगा। वीडियो देखने के बाद किचन में जाना, ये सारा सामान जो मैं आपको बता रही हूँ इजिली आपके किचन में अवेलेबल होगा, बस उसको मिक्स करना और अपने दांतों पर लगाने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा फिर जरूर कमेंट में बताना कि क्या एक्सपीरियंस रहा। और वीडियो को करना जमकर शेयर, क्योंकि पीले गंदे दांतों की जो समस्या है वो ऑलमोस्ट सभी लोगों को है आजकल। अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म भी लगता है तो वो भी इससे लगना बंद हो जाएगा। आपके मसूड़ों की जो कमजोरी है या दांतों से जो खून आता है, ये सारी समस्याएं भी इसको लगाने के बाद खत्म होने वाली हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, 3-4 लहसुन की कलियां। लहसुन में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण होता है जो हमारे दांतों को कैविटी से बचाता है, हमारे दांतों में से जो भी खून आ रहा है वो बंद हो जाता है। अगर आपको ठंडा गर्म लगता है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है और आपके दांतों को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने का काम करता है। 3-4 लहसुन की कलियां लेकर आप उसको माम दस्ते में कूट लीजिए या मिक्सी में उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए। और इस तरह से पेस्ट लेने के बाद उसमें ऐड करिए आप थोड़ा सा कोलगेट, व्हाइट वाला जो कोलगेट होता है वो ऐड करिए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके दांतों के पीलेपन को, आपके दांतों पे जो दाग धब्बे पड़ गए उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने का काम करता है। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, इससे आपकी कैविटी से आपको राहत मिलती है, आपके दांतों में अगर दर्द है, सूजन है तो वो कम हो जाती है, आपके मुंह में से अगर दुर्गंध आती है, स्मेल आती है तो वो भी आनी बंद हो जाती है। तो ये आपके दांत दर्द में तो हेल्प करेगा ही करेगा और आपके दांतों को बहुत अच्छे तरीके से मैल जो आपके दांतों पे जम गया ना उसको बहुत अच्छे तरीके से काटता है, खत्म कर देता है बिल्कुल। तो आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं वैसे आप ब्रश पे इसको लगाइए और अपने दांतों पे हल्का हल्का घिसना शुरू करिए। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना है। आज जब आपने इस पेस्ट को किया ये वीडियो देखने के बाद तो आपके दांतों पर क्या रिजल्ट रहा प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि इमीडिएटली आपको अपने दांतों में डिफरेंस फील होगा। और ये वाला पेस्ट अगर आप हफ्ते में 2 बार करते रहेंगे तो आपको ठंडा गर्म लगने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, आपके दांतों में जो कैविटी है वो भी दूर हो जाएगी, आपके मुंह से जो दुर्गंध आती थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो गाइस वीडियो को करना जमकर शेयर, कमेंट में ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।